राजस्थान के झालावाड़ समेत जिले के कई क्षेत्रों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने धड़कनें बढ़ा दी है। झालावाड़ में जिस वायरस से कौवे की मौत हुई, उसी से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस वायरस से कौवों की मौत हो रही है, जिसका कनेक्शन झालावाड़ से हो सकता है। पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार इस वायरस के चलते अब तक संपूर्ण जिले में 127 कौवों की मौत हो चुकी है। शहर के राड़ी के बालाजी मंदिर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कौवे बीमार होकर दम तोड़ रहे थे। इसी के बाद प्रशासन ने मृत कौवों को सैंपल जांच के लिए भोपाल के लैब में भिजवाए। कौवों में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग की पुष्टि होने पर प्रशासन ने राड़ी के बालाजी मंदिर क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करते हुए जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। इससे दूसरे पक्षियों के संक्रमित होने का डर है, इसीलिए ये किया गया है। फिर भी वायरस के मामले सामने आते ही जिला प्रशासन उपकंड प्रशासन मुस्तैद हो गई है। 25 दिसंबर को झालावाड़ के राड़ी के बालाजी में कौवे की मौत का मामला पहली बार नजर आया। अब तक 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। 127 कौवों की मौतें जिले के सुनेल, भवानी मंडी, पिडावा समेत कई गाँव में हुई है, जिसकी पुष्टि जिला पुलिस पशु चिकित्सा अधिकारी विक्रम सिंह द्वारा की गई। इसके बाद पशुपालन विभाग और प्रशासन ने वहां मृत पड़े पक्षियों सैंपल को झालावाड़ से भोपाल ले भिजवाया है, जहां से इसकी रिपोर्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग की पुष्टि हुई है। इसके बाद लगातार इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। सभी को बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।